दिनांक 16/6/24 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक पोखरेरा ढाब है जहां अवैध रूप से खनन करने की सूचना भी मिली थी। वहां टीम गठित करके भेजा जा रहा था। इसी क्रम में एक गाड़ी से जाने के क्रम में एक व्यक्ति को चोट लग गई थी जो अभी इलाजरत हैं। तत्काल पुलिस को सूचना मिली थी। उस क्रम में कुछ ग्रामीण आक्रोशित होकर के एक गाड़ी में आग भी लगा दिए थे, लेकिन वहां पर पुलिस टीम और माइनिंग के पदाधिकारी पहुंच करके उस जगह का भी भौतिक रूप से सत्यापन किए और जो वहां गाड़ी लगी हुई थी जिसमें दो हाइवा था, एक जेसीबी मशीन था और एक ट्रैक्टर था, उसको विधिवत जब्त किया गया और भौतिक रूप से जिस जगह पर खनन हुआ था उस खनन की जांच भी की गई थी, की गई माइनिंग पदाधिकारी के द्वारा, तो पाया गया कि वहां अवैध रूप से खनन हुआ है। तो इस अवैध रूप से खनन के कारण जो सरकार को क्षति हुई है, इस संबंध में मुफस्सिल में 208/24 कांड संख्या दर्ज किया गया है और गाड़ी मालिक और चालक को के विरुद्ध दर्ज किया गया है। सूचना मिली है कि ये अवैध रूप से खनन जो कर रहे थे उनको ना थी पहचान कर ली गई है। उसमें एक पप्पू सिंह है और एक अंजनी सिंह है, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है।